हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में, जो कि JSSC स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कल मैंने आप सबके लिए एक नॉन टेक्निकल का वीडियो डाला था और आप सबको बताया भी था मैंने कि अब हर रोज़ आपको मतलब डेली एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल मतलब आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो आता जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको हेल्पफुल हो सके। और कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें इस कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आपका डाउट सॉल्व हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर ट्रिकल चार्जिंग ऑफ ए स्टोरेज बैटरी, मतलब जो स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से क्या मदद मिलती है। यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की बाई लैंग्वेज डिमांड रहती है। तो स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से क्या मदद मिलती है, तो ट्रिकल चार्जिंग होती है। जब आप बैटरी डिटेल से पढ़ते हैं तो उसके अंदर ट्रिकल चार्जिंग मेथड भी आपको पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, टू अटेन अ फुल्ली चार्ज स्टेट, कि क्या होता है बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में काम आता है ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ठीक है, और भी अलग टाइप के भी मेथड होते हैं, उसको भी आप पढ़ते होंगे जब बैटरी डिटेल से आप पढ़ते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या है, द मेन पर्पस ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें फ्लक्स होता है। फ्लक्स आप सब देखे होंगे, आप ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो देखे होंगे सोल्डरिंग के समय एक फ्लक्स होता है। फ्लक्स का क्या काम होता है, फ्लक्स का मेन काम होता है कीप द मेटल सर्फेस ऑफ क्लीन एंड ऑक्साइड फ्री, कि मेटल सर्फेस उसको क्लीन रखना और जो भी ऑक्साइड जमा होता है उसको फ्री रखना वहाँ से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा, हाउ लिसाजस पैटर्न क्रिएटेड, कि लिसाजस पैटर्न को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी है, देखें। ठीक है, तो देखिए लिसाजस पैटर्न क्या है, ये CRO का भाग है। CRO जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है। CRO के अंदर एक CRT नाम होता है, जिसको कि हम कैथोड ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो CRO के अंदर आता है। तो लिसाजस पैटर्न को कैसे बनाया जाता है, तो लिसाजस पैटर्न को बनाने का सिंपल तरीका होता है, क्या होता है कि बाय ड्राइंग टू साइन वेव बीच आर एट राइट एंगल ऑफ टू ईच अदर, कि मतलब वो एक दूसरे के राइट एंगल पर हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम। ठीक है, और आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लिसाजस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन आना तो आपको ध्यान रखना CRO के अंदर ही होता है लिसाजस पैटर्न। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह है कि बीच टूल यूज फॉर फिनिशिंग ए सर्कुलर होल, कि जो कौन सा टूल है जो सर्कुलर होल को फिनिश करता है। तो आप सबको पता है हैंड राउंड फाइल जो होता है, आप सब फाइल देखे होइएगा अपने लैब में, जो भी कारपेंटर शॉप होता है उसमें लैब में क्या होता है, फाइल होता है, फाइल चीजल जो भी होता है, हेक्सा ये सब होती है। तो क्या होती है हैंड हाल्फ राउंड फाइल जो होता है वो क्या होता है, और दुगलाकार रेती होता है वो क्या होता है, फिनिश करता है सर्कुलर होल को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए सिंक्रोनस मोटर कैसा है। तो आप सबको पता है सिंक्रोनस मोटर क्या है, एक नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, मतलब वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारे अलग अलग चीज़ आते हैं, क्या चीज़ आते हैं आप सबको पता है क्या होता है, एक तो डमी कॉइल हमारे पास मैकेनिकल बैलेंसिंग करने के लिए आता है। ठीक है, बहुत बच्चे डमी कॉइल बोलते हैं, तो डमी कॉइल नहीं होता है, डमी कॉइल हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल बैलेंसिंग करने के लिए आता है। डमी कॉइल आप पता है कहाँ, डमी कॉइल हमारे पास वेब बाइंडिंग जो होता है उसमें यूज करते हैं, और लेब बाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं, जो कि डमी कॉइल यूज होता है। ठीक है, आप सबको पता है एक डमी कॉइल होता है, जो एक सेकंड रुकिएगा, डमी कॉइल जो होता है वो क्या, डमी कॉइल क्या होता है, डमी कॉइल सिंक्रोनस मोटर क्या है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। डमी कॉइल क्या है, मैकेनिकल बैलेंसिंग का काम करता है। इक्वलाइजर रिंग क्या है, वो लेफ्ट बैंडिंग में यूज होता है सर्कुलेटिंग करंट को खत्म करने के लिए। तो डमी कॉइल बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, और डैम्पर बाइंडिंग में बच्चा कन्फ्यूज होता है। तो जो सिंक्रोनस मोटर होता है ना, उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पर बाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, डैम्पर बाइंडिंग आप नाम सुने होइएगा। ठीक है, डैम्पर बाइंडिंग का यूज करते हैं, बट जो डमी कॉइल बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, डमी कॉइल मतलब मैकेनिकल बैलेंसिंग करने के लिए होता है वेब बाइंडिंग के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे को बहुत सारे। तो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से एक जो विद्युत कार्य के दौरान विद्युत झटके से बचाता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स, तो मतलब विद्युत झटके से कौन बचा सकता है। देखिए भीगी लकड़ी तो बिल्कुल मतलब गलत है, भीगी रस्सी भीगा चीज़ तो एकदम गलत है, धातु का रोड ये भी नहीं है, सूखी लकड़ी मतलब ड्राई वुड जो होता है वही बचा सकता है इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है,
ये सब सिलेबस आपके जो एग्ज़ाम है JSSC का उसमें मेंशन है, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ। तो आप लोग घबराए नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन केवल आते हैं, तो इस सब सारे सिलेबस में आपके इंक्लूड है, क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा, द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिक ओवन टू कंट्रोल द, कि इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, डैश को नियंत्रण करना। तो आप सबको पता है जो थर्मोस्टेट क्या होता है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप इसको ना ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का होगा नहीं, पावर के लिए अलग होता ही नहीं कुछ, वोल्टेज का भी नहीं होगा कंट्रोल करने का, टेम्परेचर ऑटोमेटिक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ निकल आयरन सेल आर मेड अप ऑफ, कि निकल आयरन सेल की घनात्मक प्लेट किससे बनी होती है। तो आप सबको पता है जो निकल आयरन सेल होता है उस सब की जो पॉजिटिव प्लेट है वो बनी होती है निकल हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे व संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो जब भी इंसुलेशन प्रतिरोध पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 1 मेगा ओम, ठीक है, 1 मेगा ओम होता है, यहाँ पर पूछा गया है, ISI के अनुसार दिया गया है, इसीलिए आपको 1 मेगा ओम याद रखना है। 1 मेगा ओम कितना होता है, 10^6 होता है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, 10^6 मेगा होता है, 10^3 किलो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसको, ठीक है। ए बैटरी चार्जर एक्ट लाइक अ, बैटरी चार्जर किसके तरह काम करता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बैटरी चार्ज किस तरह कार्य करता है, रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, AC DC में कन्वर्ट कर देता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर क्या होता है, एमीटर करंट मेजर करने के लिए होता है, प्रोवाइड द पाथ फॉर, पाथ क्या प्रोवाइड करता है। तो एमीटर प्रोवाइड करता है मैक्सिमम करंट के पाथ को प्रोवाइड करता है, मतलब मैक्सिमम करंट इसमें से क्या हो, मैक्सिमम करंट पास हो सके। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट को पास कर सके। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। बीच अमंग द फ्लोइंग इज द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा उपयोग किया जाता है, तो आप सबको पता है जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कितने होते हैं, 11 kV का हमारे पास वोल्टेज होते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, 415 वोल्ट, 220 वोल्ट का आ जाता है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमारे पास 11 kV का वोल्टेज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर रिंग यूज फॉर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पोल आर मेड ऑफ, कि इंसुलेटर रिंग जो होता है आप सब देखते हैं, इंसुलेटर कुछ ऐसा लगा होता है, ठीक है, वहाँ से वायर के साथ कनेक्ट होता है, तो इंसुलेटर किस चीज़ से बना होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंसुलेटर जो बना होता है वो पोर्सलिन, इसमें ऑप्शन है नहीं, तो आप सेरेमिक को टिक कर सकते हैं, ठीक है, अगर पोर्सलिन रहता है तो फिर सेरेमिक नहीं रहता है उसमें, ठीक है, तो पोर्सलिन देगा या फिर सेरेमिक देगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर के द्वारा किसमें हीट ट्रांसफर होता है। तो आप सबको पता है हीट का 3 मेथड होता है ट्रांसफर होने का, एक होता है कंडक्शन मेथड, एक होता है कन्वेक्शन मेथड, ठीक है, कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन मेथड, ठीक है, रेडिएशन मेथड। देखिए जो रेडिएशन मेथड होता है वो सूरज के किरण जो आता है उसको हम रेडिएशन मेथड बोलते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, जो जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते को हीटअप ना करके जहाँ पे पड़ रहा है उसको हीटअप करता है, रेडिएशन होता है। कंडक्शन जैसे आप कोई भी चीज़ को, जैसे रड को गर्म कर रहे हो, तो रड को गर्म कर रहे हो तो रड एक साइड से गर्म कर दूसरी साइड भी गर्म हो रहा है, वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। और कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन में हो जाता है कि जिस चीज़ को आप गर्म कर रहे हो वो उसके, जैसे इमर्सन रड आप देखे होगा, इमर्सन रड क्या है, कन्वेक्शन का प्रोसेस है, जैसे आप प्लग लगा देते हो, उसमें बिजली की सप्लाई में, फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो हमारे वाटर हीटर होता है वो गर्म होते होते वो पूरे पानी को गर्म करता है, तो वो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है मोशन ऑफ मीटर होता है, तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कन्वेक्शन मेथड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क द इन्वर्टर UPS, कि इन्वर्टर का क्या काम है UPS में। तो इन्वर्टर क्या काम करता है, DC को AC में कन्वर्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड ग्रेड फॉर विच कमर्शियल इलेक्ट्रिक बल्ब आर मैन्युफैक्चर, कि कौन सा वैध ग्रेड है जिसे जो कमर्शियल जो बल्ब होता है उसमें एक, मतलब एक रेटिंग दिया जाता है उसको,
कि हाँ स्टैंडर्ड रेटिंग है इसका, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर 230/400 वोल्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, बीच फॉर्मूला इज टू डिटरमाइन द हिस्टेसिस लॉस। ठीक है, तो हिस्टेसिस लॉस में आपको ध्यान रखना है BMX होता है, ठीक है, जहाँ X क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, X का मान कितना होता है 1.6 मिलेगा आपको ज़्यादा। देखिए 1.6 वाला ऑप्शन कहीं पर है, देखिए इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, EAD ग्रेंड का है, ठीक है, और देखिए 1.6 वाला यहाँ मिल गया, तो 1.6 वाला यहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी F²T²V मिलेगा ना, ये ED ग्रेंड का हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा वाला क्या है वो ED ग्रेंड का है। ED ग्रेंड का अगर पूछते हैं आपसे तो ए हो जाएगा, ठीक है, और जब से जब भी हिस्टेसिस का पूछता है तो हिस्टेसिस का 1.6 आपको मिल जाएगा यहाँ पर जैसे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा, थ्री पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज एज अ, कि थ्री पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थ्री पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, शंट और कंपाउंड दोनों में हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्टार्टर किस चीज़ के लिए यूज होता है आपको पता होना चाहिए। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग जो करंट है उसको लिमिट करता है, मतलब ज़्यादा करंट को नहीं आने देता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंट एंड कंपाउंड दोनों के लिए होता है। ठीक है, टू पॉइंट स्टार्टर होता है वो सीरीज मोटर के लिए होता है, थ्री पॉइंट स्टेटर होता है वो शंट और कंपाउंड दोनों के लिए होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा, 350 किलोमीटर लाइन इज कंसीडर है, तो 350 किलोमीटर की जो लाइन है उसको हम किस चीज़ में कंसीडर करते हैं, 350 किलोमीटर की लाइन है उसको हम लॉन्ग लाइन में कंसीडर करते हैं, ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस में मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी हो किस में मेजर करते हैं, कूलम पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, पोलराइजेशन इज डिफाइन एज द, पोलराइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं, तो पोलराइजेशन डिफाइन करते हैं डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट है उसी से हम पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वोल्टेज लेवल फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन एक वैलिड वोल्टेज नहीं है। देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 11 KV तक होता है, 11 KV से नीचे हो सकता है, 11 KV से ज़्यादा नहीं कर सकते हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए यहाँ पर 66 KV है, क्या है, गलत है, 66 KV प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ नोट दिया गया है, नोट वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में अभी के समय में सारे पेपर में ट्रेंड में है, अब ऐसे वन लीनियर वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चन घुमा कर आते हैं, तो आपको पढ़ने भी अच्छे से आना चाहिए पेपर को, और कैसे पेपर में क्या लिखा हुआ उसका समझना भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप पेपर को अच्छे से कर पाते हैं और एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज ओनली फॉर AC मेजरमेंट, तो AC मेजरमेंट के जहाँ भी आ जाए तो इंडक्शन एक वर्ड याद रखना आप, इंडक्शन ही एक मीटर है जो कि सिर्फ AC पे काम करता है। ठीक है, तो इंडक्शन ही क्या है, एक मीटर है जो कि सिर्फ AC पे काम करता है, ऑप्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर DC पे पूछा जाता सिर्फ DC पे, तो PMMC क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ओनली DC पे काम करता है, ओनली DC पे काम करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, PMMC इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज ए DC वोल्ट मीटर विथआउट सीरीज रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ, मतलब आप सबको पता है कि एक हमारे पास ना ए मीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है, तो ए मीटर के हम रेंज को बढ़ाते हैं, मतलब ए मीटर का रेंज कम होता है मेजर करने के लिए करेंट को, तो हम उसके रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में ना लो रेजिस्टेंस का कनेक्ट कर देते हैं, जिसको कि हम शंट के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसको शंट के नाम से जानते हैं, बट यहाँ पर दिया गया है DC वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, हम हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जिसको हाई रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो बिना कनेक्ट किए हमसे पूछा, मतलब इसको हम न लगाए तो इससे पहले हम इस कितना तक मेजर कर सकता है, तो ये 0 से 100 mV तक ही मेजर करता है, उसके बाद आपको ज़्यादा मेजर करवाना है तो हम इसको सीरीज में क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी पैरेलल सर्किट आर फॉर्म इन 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, कि कितने पैरेलल सर्किट होते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पैरेलल सर्किट आर फॉर्म इन 4 पॉइंट स्टार्टर, तो 4 पॉइंट स्टार्टर में 3 पैरेलल सर्किट हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3।
बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सब पीवाई के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे बीच में छोड़ कर चले जाते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके लिए ही हेल्पफुल होगा कि बाद में आप पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो फिर आपको ही दिक्कत होता है। इसलिए आप वीडियो को क्या करें, पूरा देखें वीडियो को, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, वीडियो का पूरा देखेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा, द पीक रिवर्स रिकवरी करंट ऑफ ए पावर डायोड डिपेंड अपॉन कि जो पीक रिवर्स रिकवरी करंट है ऑफ ए पावर डायोड डिपेंड अपॉन रेट ऑफ करंट फ्लो एंड स्टोरेज चार्ज, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पावर डायोड का क्वेश्चन कम आएगा पेपर में, लेकिन जो भी मतलब एक दो क्वेश्चन हमको मिलता है उसको मैं आप सबके साथ ऐड डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में ना एक जगह लिखा हुआ है पावर डायोड, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सिलेबस के अनुसार ही अभी चल रहा हूँ, आप सबको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पावर डायोड का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको रिकॉल रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एनी क्वांटिटी, कि जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है एनी क्वांटिटी का, तो पर यूनिट हमको निकालने के लिए क्या होता है, एक्चुअल अपॉन बेस होता है, कोई भी चीज़ का हमको पर यूनिट निकालना है तो एक्चुअल अपॉन बेस, मतलब एक्चुअल में क्या है और बेस क्या था उसका, मतलब एक्चुअल में 2 है और बेस 10 था, तो पर यूनिट वैल्यू हो गया ना 1/5 पर यूनिट हो गया, मतलब 0.5 क्या हो गया इसका 0.2 इसका पर यूनिट वैल्यू हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर एक्चुअल अपॉन बेस होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल ऑफर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि कौन सा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा वैल्यू को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू को ऑफर करता है, तो देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा ना, देखिए यहाँ पर क्या है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल ऑफर करता है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कौन फॉलो करता है, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सर्कुलर लॉ इन्वॉल्व फाइंडिंग द, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ आप प्लस टू में पढ़े होगा, बायो सर्वोट लॉ होता है वो भी पढ़े होगा, तो क्या करता है, फाइंडिंग करता है टोटल करेंट इनक्लोज क्लोज पाथ, कि जो क्लोज पाथ में टोटल करेंट है उसको हम क्या करता है, टोटल करेंट इनक्लोज बाय क्लोज पाथ, उसको ये क्या करता है, फाइंड करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब ना प्लस टू लेवल का है, प्लस टू लेवल का पेपर में आपके आने का चांस है, बेसिक फिजिक्स का पार्ट है, एम्पियर सर्कुलर लॉ, बायो सर्वोट लॉ, लेंज लॉ हो गया, फैराडे लॉ हो गया, ये सब बेसिक क्वेश्चन। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन है, और भी है लेकिन और मैं आपको करा दिया हूँ पहले, तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है फिर मैं आपको लगभग मैंने आपको 40 से 50 क्वेश्चन कराया, ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, देखिए जब से आप पूरा वीडियो को देखिएगा ना, 40 से 50 क्वेश्चन आपको आसानी से एक दो बार देखिएगा आपको रिकॉल हो जाएगा, तो पेपर में क्या करते हैं आसानी से इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको आएंगे, मोस्टली रिपीट भी हो जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको इसको ध्यान रखना है, और जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो पीवाई के क्वेश्चन होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए आपको अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो आप हमें टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आरिए पॉइंट नाम से टेलीग्राम है, आरिए पॉइंट के नाम से, ठीक है, और यूट्यूब पर अभी कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरह कंटेंट, जिस तरह कंटेंट मैं आपको ला कर ढूंढ कर देता हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च पर कई बार नहीं आता है, तो वहां पर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लगते हैं, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, और आज को वीडियो को मैं ही समाप्त करते हैं, और जो भी मेरे चैनल पर वीडियो है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जेएसएससी के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है, जेएसएससी के नाम से ना प्लेलिस्ट है, जितने भी वीडियो है उस सबका प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाए प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, नॉन टेक्निकल का, टेक्निकल का, या फिर जेएसएससी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है उस सबको देख सकते हैं। तो इस आज की वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से रखें, एग्जाम का बहुत कम दिन है, सो थैंक यू सो मच।